जब से आई हूँ रोए जा रही हूँ, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुस्तकीम से झगड़ा हुआ है? अरे क्या बताऊँ तुझे बेबे, क्या बताऊँ? बता ना, मंशा की कोई परेशानी है? अरे वो बच्ची, वो तो एक लफ्ज नहीं बोलती, मगर मुस्तकीम, हाय अब क्या बताऊँ बेबे को, तो अपनी बेशर्मी है, कोई तो ड्रामा करना पड़ेगा मुझे। अगर तूने मुझे कोई बात नहीं बताई ना, तो मैं मुस्तकीम भाई से खुद पूछ लूँ। अरे नहीं नहीं, मुस्तकीम से क्या पूछना है, मैं ही बता देती हूँ। मुस्तकीम ने मंशा के लिए लड़का देख लिया। लड़का देख लिया? और वो भी 48 साल का बुड्ढा। हाय मैं मर गई, मुस्तकीम भाई को क्या हो गया जो 48 साल के बुड्ढे को दामाद बनाने पर तुला हुआ है? वो पैसा बहुत है ना उसके पास, जायदादे हैं, गाड़ी है, मुल्क से बाहर भी आता जाता रहता है, मगर जिंदगी यही बस कुछ 10-12 साल ही की होगी मुश्किल से। अल्लाह, पैसे की लालच में मंशा की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ मुस्तकीम भाई। क्या बताऊँ, यही तो बात थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए, मैं तेरे पास दौड़ी चली आई। मेरी बहन, तूने तो ये बहुत अच्छा किया, देखना पैसा तो हमारे पास भी बहुत है। तो जानती है मुस्तकीम कितना कंजूस है, वो तो अपनी बच्ची की शादी पे एक ढेला भी खर्च करने के लिए नहीं तैयार है। तू ये भी जानती है कि हम जरा भी लालची नहीं है, खुदा ने सब कुछ दिया है हमें। देख मंशा तेरी बेटी मेरी भी बेटी, मैं उसको अपनी बहू बना लूंगी। हाय बेबे, अब क्या करे, मुस्तकीम तो उस बच्ची का ब्रेन वॉश कर रहा है कि किसी तरह उसको उस बुड्ढे से शादी करने पे आमादा करते। हाँ बच्ची कैसे आमादा होगी बुड्ढे से शादी करने के लिए भला? वही तो, मगर मुस्तकीम का क्या करें, वो तो मना लेगा उसे। और मुझे तो लगता है कि मंशा किसी हद तक आमादा भी हो गई है। वो तूने उसे समझाया नहीं? अरे समझाने की नौबत ही कहाँ आई, जहाँ मैंने बात मुंह से निकाली नहीं मुस्तकीम ने वो शोर मचा दिया, मैं तो भाग के तेरे घर ही आ गई बस। ऐसा करती हूँ शहजाद को भेजती हूँ उसके पास, वो उसको जाके समझाए कि मुस्तकीम भाई की कोई बात नहीं मानती। शहजाद ये काम कर देगा? अरे उसके अच्छे भी करेंगे, क्यों नहीं करेगा? तो उससे कहना कि बस ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी मंशा को ले आए, बाकी सारी बात मैं खुद ही कर लूंगी बस। अरे चुप करना, क्यों दिल छोटा कर रही है? अभी शहजाद बाहर गया हुआ, मैं फोन करती हूँ, अभी देखना कैसे आता है, फिर भेजती हूँ उसको। हाय अल्लाह, किस्मत फूट गई मेरी तो मुस्तकीम के साथ शादी करके। यार अब्बा, आपने अम्मा को कैसे जाने दे दिया यार, इतनी सी बात पे वो बेबे के घर चली गई है। अरे तो जाने दो, कोई उसे 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी मां आज की दुश्मन है, खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह। जब 4 दिन का आटा एक टाइम में निकलेगा ना, तो बेबे को लग पता जाएगा। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना ये नौबत आ गई है। सोचो जब बाहर वालों को पता चलेगा कि हमारे घर में इस किस्म के तमाशे होते तो कितनी बदनामी होगी। 4 दिन की चांदनी है मंशा, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे परेशान ना हो, सुबह से घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है, आपको पता है मुझे कितने काम करने थे, मुझे कॉलेज जाना था, मुझे मार्केट से कपड़े उठाने थे, लेकिन अरे तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? घर की हालत देखी तुमने अब्बा, फैला पड़ा है, कौन समेटेगा? खैर
मुझे तो लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा बेबे के घर अम्मा को लेने। खबरदार जो तुम आ गई, मैं पेट्रोल पी के जान दे दूंगा। अरे पिए पिए, किसने मना किया, पी ले। लगता है भूल गए कि पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो चुका है। तो फिर पेट्रोल की जगह कुछ और पी लूंगा, सस्ता आइटम। फिलहाल तो अब्बा एक काम करें, आप गुस्सा पिए और हवा खाएं, इसमें आपका खर्चा भी नहीं होगा, ठीक है? आ गई तुम्हारी माँ। मैं नहीं करता था इसे कोई 2 घंटे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अब्बा आपको अल्लाह का वास्ता है, अम्मा से इस मौजू पे बात ना कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ तुम्हारी वजह से गुस्सा दूख रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। तुम यहाँ कहाँ? मैं यहाँ वो, मैं तुम्हारी दोस्त मंशा को समझाने आया था कि वो शादी से इनकार कर दे। वो किससे शादी कर रही है? अरे क्या बताऊं, किसी बूढ़े इंसान से शादी कर रही है। तुम्हारी अब्बा की उम्र का होगा। केबल वाला था, इसका मतलब है तुम्हारी माँ को अभी अकल नहीं आई। अच्छा बाप, आप तो यहाँ से जाएं, थोड़ी ठंडी हवा करें ताकि आपका दिमाग भी ठंडा हो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं, वो उसके साथ भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसकी शादी का उम्मीदवार पैदा हो चुका है, ये तो कंफर्म नहीं हुआ। मंशा की मुझे कॉल्स तो आ रही थी, लेकिन मैं अपने मंगेतर से बात कर रही थी। मैं तो यूं ही उससे मिलने आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे बड़ी अजीब खबर सुना दी। हाँ, जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत अजीब लगा, लेकिन वो किसी बूढ़े से शादी करे या जवान से, तुम्हें किस बात की टेंशन है? शादी तो उसकी मर्जी से ही होगी ना। हाँ बिल्कुल, शादी तो अपनी पसंद से ही होनी चाहिए, उसकी हो या मेरी। वैसे मैं भी अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ। तो तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारी दोस्त मंशा। वो क्यों रोकेगी तुम्हें? क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, पहले मटर भी मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट डेवलप हो गया, अब तो मटर के अलावा कोई सब्जी अच्छी लगती ही नहीं है। मटर और मंशा में फर्क है। अरे कोई फर्क नहीं है, वैसे भी हमारा मजहब हर फर्क मिटा देने की बात करता है। तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत है फर्क मिटाने के लिए। हाँ फुर्सत तो है, तभी तो यहाँ आया हूँ। अगर मुस्तकीम अंकल को पता चल गया ना कि तुम यहाँ हो, तो वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। हैं? इतनी शिद्दत से अपने होने वाले दामाद का इंतजार कर रहे हैं? जिस खामोशी से आए हो ना, उसी खामोशी से वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मंशा से जाके कहो कि मैं उसे लेने आया, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर इंतजार करो और मंशा की कॉल का वेट करना, जाना बता। ओके। मंशा, बाहर तुम्हारा वो आशिक नामुराद आया हुआ है। कौन, शहजाद? हाँ, और अगर मैं जरा सी भी लेट हो जाती ना, तो उसने यहाँ आ जाना था। तो वो यहाँ किससे पूछ के आया? तुमने एक काम करो, उसको जाके बता दो कि अब्बा ना आज गुस्से में पिस्तौल लिए घूम रहे, कहीं वो जान से ना चला जाए। लेकिन मंशा, उसने जो मुझे खबर सुनाई है ना, वो बहुत ही हैरानकुन है। क्या बताया उसने तुम्हें? वो कह रहा है कि तुम्हारी शादी किसी करोड़पति बुड्ढे से हो रही है। क्या, ये किस किस्म की बेवकूफी की खबर फैलाई है उसने? मैं तो किसी बुड्ढे को जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, उसने तुम्हें बताया कि ये कौन बुड्ढा है, कहाँ से आया है, और मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी के बगैर कैसे आएगा? पता नहीं, मैं तो उसकी बातें एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से उड़ा देती हूँ। लेकिन निम्रा, कहीं तो कोई चिंगारी है ना जो तुम तक धुआं पहुंचाए। भाई देखो, मैंने उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई,
वरना उसने मेरे साथ यहाँ आ जाना था। चलो अच्छा है, खुद ही ना ख्वार होके वापस चला जाएगा। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, तुम क्या कह रही थी, तुम्हारे अम्मी अबू का क्या मसला हुआ है? हाँ वो मैं तुम बताना भूल गई। खड़ा है, मैं समझी 10-15 मिनट इंतजार करके जा चुका होगा। हेलो, कहाँ हैं आप? 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं। हद हो गई, मैं आई थी नीचे लेकिन आप जा चुके थे, इसलिए मैं अपने घर वापस चली गई। चली गई मतलब कैसे चली गई? मैं तो अपने पूरे होशो हवास में एक एक पल यहाँ आपका वेट कर रहा हूँ। वैसे ना इस वक्त तुम्हारा ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। अंकल गुस्से में अपनी पिस्टल 6 गोलियों से भरकर टहल रहे इधर उधर। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, जब मैं उनको 1 गोली का रेट बताऊंगा ना तो कभी मुझ पर जाया नहीं करेंगे। ठीक है तो फिर जाओ ऊपर, लगा लो गले अंकल को। तो बाहर तो यहाँ से जाएगा नहीं, तो मुझे पीछे वाले गेट से जाना पड़ेगा। तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अगर तुम मेहरू से मिलने आओ तो वो घर पे नहीं है। जी जी मुझे पता है, वो तो हमारे घर पर है लेकिन ना उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। क्या क्या हुआ है अम्मी को? वो डिप्रेशन हो गया उनको, बात करते करते गिर जाती हैं और सुबह से यही कैफियत है। अब चले, अब हम अम्मी की तरफ चलते हैं। ठीक है हम नहीं सिर्फ तुम। ठीक है ना जाएं आप, फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। वैसे आंटी ने मुझे कहा था आप दोनों को साथ लेकर आऊं, लेकिन चले अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप आ जाए चले। हाँ तुम इसे ले जाओ, मैं अगर चला गया ना तो उसे होश भी नहीं आएगा। हाँ वैसे भी खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो घर में कोई भी नहीं है। या अल्लाह खैर करे। अच्छा आप ना बस मुझे 2 मिनट दे, मैं आती हूँ। ठीक है हाँ जल्दी आना, जरा इमरजेंसी भी हो सकती है। अरे यार तुम गाड़ी तो स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। 2 कॉल्स भी आ चुके हैं ना, जल्दी आ जाना। तो किसी गड़बड़ की बू आ रही है, ध्यान से रहिए मुस्तकीम। वैसे दोपहर के खाने का टाइम भी हो रहा है, भूख भी बहुत लगी है, क्यों ना कहीं रुक के खाना खा लिया जाए। अरे यहाँ पर मुझे मेरी माँ की पड़ी और आपको खाने की? अरे मैडम ये गाड़ी है ना पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। हाँ तो ठीक है, आपको खाना खाना ना तो खा ले, जो खाना है खा ले, लेकिन मुझे साइड पर उतार दे। वैसे भी मैं एक इशारा करूंगी ना तो गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी। हाँ लाइन तो लग जाएगी लेकिन छाप भी लग जाएगी। अच्छा लाइन में तो आप भी लगे हुए और आप पर तो छाप भी लगी हुई है। मेरा ख्याल है मुझे मंशा को बता देना चाहिए कि आंटी की हालत इतनी भी संगीन नहीं, वरना ये मेरी जान खाती रहेगी। वैसे आपकी अम्मी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। तो बार बार बेहोश हो रही थी ना, आप फरमा रहे थे कि अरे वो तो मुस्तकीम अंकल की वजह से, वरना वो आपको मेरे साथ आने थोड़ी देते। क्या इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? देखो सच सच बताओ कि मेरी अम्मी कैसी है? अरे वो ठीक है बस थोड़ी सी परेशान है। मतलब आपने
आपने कभी जिंदगी में सच भी बोला है? मैडम, जमाना सच बोलने नहीं देता, झूठ बोलना पड़ता। तो आपने सोचा कि मैं झूठ का सहारा ले लूं? अच्छा छोड़े इस बात को, मैंने सुना है आपकी शादी किसी बुड्ढे से होने वाली। क्या सीन है यार, सबके मुंह से यही सुन रही हूँ कि मैं किसी बुड्ढे से शादी कर रही हूँ। यानी किसने उड़ा दी ये न्यूज? जो पूछा उसका जवाब दें आप। आपने जब सुना है तो ठीक ही सुना होगा, और वैसे भी ओवर एज आदमी से शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? हाँ जुर्म तो नहीं है, वैसे उस बुड्ढे में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो मुझ में नहीं है? दिमाग तो ठीक है ना आपका? आप इसलिए मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ पर लाए थे? गाड़ी रोको अभी की अभी, गाड़ी रोको। अरे आप शायद बुरा मान गई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, वरना वरना क्या? वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, खुद भी किसी की मौत मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। गाड़ी रोक रहे हो कि नहीं, ब्रेक लगाओ। वैसे आप भूल रही हैं, आपकी अम्मी बीमार हैं। याद है मुझे, और अब अम्मा को घर आना होगा ना तो खुद आ जाएंगी, चाहे आंधी आए या तूफान, अब गाड़ी रोको। रोक रहा हूँ। मेरी मंशा आ जाए, फिर मैं देख लूंगी मुस्तकीम को। वैसे भी चलता तो मेरा ही जोर है घर में। तुम आ गए हो, मंशा गए, आइए। मंशा नहीं आई, वो तो किसी बूढ़े से शादी कर रही है। बूढ़े से कैसे शादी कर सकती है? हैं? आपने ही तो कहा था। मेरा मतलब है कि वो मुस्तकीम चाह रहा था। नहीं 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 नहीं, अंकल तो चाह रहे हैं लेकिन मंशा उनसे ज्यादा चाह रही है। क्या ये क्या हो गया? क्या कहानी हो गई? तो मैंने झूठ बोला था कहीं? सचमुच ही मुस्तकीम ऐसा तो नहीं करना चाह रहा? मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि मंशा किसी बूढ़े के साथ ब्याही जाएगी, वो भी अपनी मर्जी से। अरे ऐसे कैसे शादी करेगी, पागल हो गई क्या मंशा? आंटी वैसे बुरा मत मानिएगा, आपने ही कहा था वो बुड्ढा बहुत मालदार है। सच कहा है किसी ने, पैसे में बहुत ताकत होती है। कहीं मुस्तकीम ने वाकई में तो कोई अमीर मुर्गा नहीं फंसा लिया मंशा के लिए? क्या करूं क्या करूं, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं घर वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप मंशा से नहीं जीत सकती, उसने हाँ कर दिया है। ऐसे कैसे हाँ कर देगी वो बगैर अपनी माँ से पूछे? मैं अभी मुस्तकीम को फोन मिलाती हूँ और देखती हूँ। हाँ मेरी ही चलती है उस घर में, देखती हूँ कैसे मुस्तकीम हाँ कराता है उससे। हेलो हेलो मुस्तकीम, हाँ मैं बात कर रही हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या हो रहा है ये? मैं मंशा की शादी उस बुड्ढे से नहीं होने दूंगी। हाँ इससे क्या फर्क पड़ता है? हैं क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता बस। अब तो ये हो गया है, और सुनो तुम इधर का रुख मत करना, बड़ा सुकून है सुबह से। हाँ हेलो हेलो हेलो, मुस्तकीम ने तो मुझे घर आने से भी रोक दिया है। ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, महसूस तो करें। महसूस क्या करूं, मुझे तो सिर्फ मंशा की परेशानी है, उसकी वजह से है मुझे घर जाना। आंटी मैं आपको बता रहा हूँ हालात बहुत खराब हैं, आप ऐसा करें आप यहाँ से ना जाएं, जब तक अंकल आपको मनाने नहीं आ जाते ना आप यहाँ से ना जाएं बस। अच्छा बेबे कहाँ है? बेबे अंदर अपना डिनर अपलोड कर रही है, अगर वो भी सुनेंगी ना आपकी बेइज्जती के बारे में वो भी आपको यहाँ से जाने नहीं देंगी। हाँ अरे शहजाद बात तो सुनो बेटा, तुम इधर का रुख मत करना, बड़ा सुकून है सुबह से। मुझे लगता है मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, कहीं कुछ और ही ना करते ये मुस्तकीम। बच्ची करती हूँ मैं किसी से बात। मैरू ये क्या सुन रही हूँ मैं, मुस्तकीम भाई ने तुम्हें तुम्हारे घर ही आने से मना कर दिया, अब मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे अपने नहीं बेबे, मुझे ना मंशा की फिक्र है। मंशा कोई छोटी बच्ची नहीं है, अपना अच्छा बुरा सब जानती है, उसकी तरफ से परेशान ना हो। अच्छा बेबे मैं सिर्फ यही देख कर आ जाऊं
कि वहां पे हो क्या रहा है, वहां क्या सीन चल रहा है, बस इतना पता चल जाए। वहां ना तेरे से बड़ा सीन तेरा चल रहा है। मुस्तकीम भाई ने तुझे वहां आने से मना कर दिया है, अब तू कहीं नहीं जाएगी, समझी तू? पता है बेबे, वो मंचा मत से बात करना चाह रही है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मंचा को यहीं बुला ले, क्या मसला है? एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मुस्तकीम भाई के साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है ना, जब वो तेरा नहीं बना तो मेरा क्या असर करेगा? हाँ भाई, ऐसे भी तो हो सकता है ना बेबे कि जब मैं जाऊं तो मुस्तकीम सब कुछ बुला के सारे दरवाजे खोल दे मेरे लिए। अरे मेरी सोनी मेहरू, रोजों पर जिंदगी गुजारना छोड़ दे। ठीक है, जैसे तू कहती है। रात को ना जब सब सो जाएंगे, किसी को बताए बगैर खामोशी से निकल जाऊंगी। आंटी को यहां से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आंटी चली गई तो मंशा का यहां आने का चांस भी कम हो जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम तो कह रही थी कि मैरू आज हर हाल में पहुंच जाएगी, अब तो इतनी रात हो गई है, कहाँ है मैरू? मुझे लगता है कोई मजबूरी होगी, मैंने जिस किस्म का शोशा मैं छोड़ के आई थी ना, अब तक अम्मा को उल्टे पैर वापस आ जाना चाहिए था। तुम भी तो खाली हाथ वापस आ गई, उसे साथ ही ले आती। अरे क्या करती, मुझे क्या पता था मेरा तीर खाली जाएगा। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर तुम उसे फोन करो। अरे क्या फोन करूं, फोन की बैटरी डेड है उनकी। हैरत है, उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपना मोबाइल ही चार्ज कर ले। अब बाप को अम्मा का पता तो है, पहले भी खुद कहाँ चार्ज करती थी, मैं ही चार्ज करके देती थी उनको। सिर्फ अप्पा तुम कहो तो मैं लेके आ जाऊं आंटी के घर से अम्मा को वापस। इस वक्त ये कौन सा वक्त है वहां जाने का? छोड़ो, अब सुबह ही देखेंगे। पता नहीं वो कौन सा बुरा वक्त था जो मैंने यहाँ आने का फैसला कर लिया। I'm sorry आंटी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप इज्जत के साथ इस घर से रवाना हो जब मंशा और अंकल आपको मनाने आएंगे। जिंदगी में पहली बार ऐसे अकेले बाहर निकली हूँ ना मैं। अरे आंटी क्यों झूठ बोल रही हैं? मायके से तो निकली होंगी ना ब्याह के? हाँ तो शादी के बाद निकली थी ना, उससे पहले थोड़ी जाती थी मैं। हाँ वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी में चेंज आना चाहिए। वैसे आंटी मैंने मंशा को कॉल की थी लेकिन उसने परवाह ही नहीं की, वो तो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत ही खुश है। मुझे तो लगता है मुस्तकीम ने मेरा बदला मेरी बेटी से ले लिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अंकल ने बदला लिया, लेकिन आपकी बेटी ने भी तो कुछ कम नहीं किया ना। एक खूबसूरत नौजवान को छोड़कर उस बूढ़े से शादी कर रही है। मुस्तकीम की लालच उसकी बेटी में भी आ गई है। इसीलिए कह रहा हूँ इन लालची और खुदगर्ज रिश्तेदारों को छोड़ें, जब वो खुद चलकर आपके पास आएंगे ना तब बनेगी बात। तो किसी से बात ही नहीं कर सकते, सब रोक लेते हैं। कैसे घर जाऊंगी अब? मलिक भाई मेरा एक काम करते हैं ना प्लीज। हाँ हुक्म करो जी। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ मगर बेबे और शहजाद मुझे जाने ही नहीं दे रहे। देखो जी ये तो उनकी मोहब्बत है ना। देखिए एक कप चाय की प्याली में ना एक चम्मच चीनी अच्छी लगती है, अगर उसमें बोरी भर के डाल दी जाए ना तो वो जहर लगती है। ये बात तो आपकी ठीक है, मोहब्बत जो है वो भी नाप तोल की होनी चाहिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको वास्ता है, प्लीज मुनव्वर भाई। देखो जी ये खुदा का वास्ता ना दे, मुझे बहुत डर लगता है मुझे वास्तव से। तो आप मुझे छोड़ देंगे? बस शहजाद और बेबे को ना बताइएगा। फिक्र ही ना करें आप, इधर से जाएं, मैं आता हूँ अभी। अगर बेबे ने पूछा तो? बेबे ने मिट्टी पाओ जी जाओ।
शुक्रिया। को स्टेटस से फरागत मिलेगी तो कुछ करेगी ना, बेबे को ना पता चले। मैंने ना अब्बा को कसम दी है कि वो अब कोई पुरानी बात नहीं दोहराएंगे, और अब आप ही बात भूल जाए प्लीज। मगर मुझे इतना समझा दो कि अरे कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं कहना, बस खत्म करें ना इस बात को यार। अरे मंचा, अपनी मां को उस बुड्ढे की तस्वीर तो दिखा दो जिसका रिश्ता आया था। मुस्तकीन, तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे ये तो देखो। अरे अम्मा, एक बार देखी तो सही, इतना हैंडसम है ना, मतलब ये देखी। मैं कभी भी नहीं देखूंगी। मैं एक दिन इस घर से क्या गई, तुम लोगों ने अधेरे नगरी मचा दी इस घर में। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन इस बुड्ढे से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी मैं। हाँ देख लेना तुम लोग। अरे 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 बात तो सुन लो, जब मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें लेने नहीं जाऊंगा, तब मंशा ने ये प्लान बनाया था, और देखो सुबह ही सुबह तुम नाजिल हो गई। बस कर दो क्या मेरे लिए, बुड्ढे रह गए शादी करने के लिए। हाय हाय, तुम लोगों के चक्कर में मैंने बेबे से भी झगड़ा कर लिया। हैरत है, तुमने एक रात में वहां भी मोर्चा लगा लिया। वो बेबे ना मुझे आने नहीं दे रही थी, रखना चाह रही थी अपने घर पे, इसलिए मैंने लड़ाई कर ली। वो तो भला हो मलिक साहब का कि वो आके मुझे यहाँ छोड़ गए, वरना तेरा बाप ना तो मुझे रक्षे के भी पैसे ना देता। माँ तुमको क्या जरूरत थी उनसे लड़ने की? अरे तुम अपनी माँ को जानती नहीं हो, इसे तो बहाना चाहिए होता लड़ने का। हाय हाय, तुम लोगों ने मेरे किए किराए पे पानी फेर दिया। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे बेबे को दिखाना होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करती हूँ। हाँ अरे ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो आप फिर से पीछे पड़ गई मेरी शादी कराने के? अब तो इज्जत का मामला है बच्चे, इस बेबे को मैं दिखा दूंगी एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय ना किया ना तो मेरा नाम भी महरू नहीं। हाँ माँ, आपने तो फिर से एक नया मुहाज खड़ा कर दिया। अब मेरे बीच कोई ना बोले, कुलसुम की माँ यही काम करती है रिश्ते का। अब मैं उसको फोन करूंगी, देखना एक दिन के अंदर अंदर लड़कों की लाइन लग जाएगी मेरी बेटी के लिए, देखना तो सही। बात सुनो, अच्छा कुलसुम की माँ से कहना मेरे मुस्तकीम के लिए भी कोई लड़की देगी। पहले हमें तो संभाल ले मुस्तकीम, जब दूसरी बीवी लाएगा। इधर मेरे मेकअप के पैसे तो पूरे नहीं होते इससे, और ये पकड़ फाड़ इस बुड्ढे को, मैं तो देखना भी नहीं चाहती हूँ। नहीं कौन खबीस है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही मलिक साहब जी, जरा आप ही मुझे बताएं कि मेरू को आखिर मसला क्या हुआ? देखे ना, पका पकाया खाना मिला, अलग कमरा दिया, सारा दिन उसने टीवी देखा, फिर भी उसके इतने नखरे। ओ असल में पहली दफा कार से बाहर निकली थी ना, तो कुछ लोगों के साथ ये मसला भी होता है कि वो चुगी में रहने के आदी होते हैं और वहीं पर खुश रहते हैं। अगर ऐसा कोई मसला था भी तो मुझे बताना चाहिए था ना, आपके आगे स्यापे डालने की जरूरत क्या थी उसको? छड़ रहन देना, वो हो सकता है वो तुझसे घबरा गई हो। आपसे पहली दफा मिली थी, आपसे तो नहीं घबराई, मेरा बचपन का साथ मुझसे घबरा गई। वो ये भी कह रही थी कि शहजाद भी उसके जाने के रास्ते में रुकावट बना हुआ था। आप देख लेना, मैंने इसको जरा भी अब मुंह नहीं लगाना, और शहजाद ने भी बात नहीं करी। उसकी बेटी को अपनी बहू बनाने का सोच रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, वक्त पे मुझे अकल आ गई। इसमें मंशा का क्या कसूर है? वो बेचारी तो इस घर में आएगी। नहीं जी नहीं, वो इस घर की अब बहू नहीं बनेगी। उसा थूक दे, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर। बस फैसला हो गया, अब हमारे लिए बहु रिश्ता कराने वाली ही तलाश करेगी। वो ऐसा जुल्म ना कर बेबे, वो अपना शहजाद जो है ना वो उसको पसंद करता है। तुमने देखा नहीं उसका चेहरा कैसे खिल सा जाता है? कैसे खिल जाता है, इतनी जल्दी खिलने वाले उतनी जल्दी मुरझा भी जाते हैं। ए मेरी बात सुन, पहले शहजाद से बात कर ले, उसके बाद रिश्ता करने वाली को बुलाई। नहीं नहीं, रिश्ता कराने वाली से पहले बात होगी, शहजाद से बाद में।
ये तो फिर झगड़े वाली बात हुई ना। तो मेरू ने कौन सा बात रखने वाली काम किए हैं? सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर खुद चली गई। ठीक है, मैंने तुझे जो कुछ कहा है ना वो दूसरे कान से बाहर निकाल दे, ये ना हो तुझे कहीं इख्तिलाज कल्ब होता रहे। निकाल दिया, मैं भी रिश्ते कराने वाले से अभी बात करती हूँ। कहती हूँ उसे, पैसे तेरी मर्जी के, लड़की हमारी मर्जी की। अगले 72 घंटों में मैंने अपने पुत्र शहजाद की शादी ना कराई ना तो मेरा नाम भी बेबे नहीं है। I'm really sorry कि मैंने आपको इतनी इमरजेंसी में बुला लिया है। क्या बात कर रही हैं आप, मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। क्यों? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। कुछ कहें ना कहें, लेकिन वो 70 साल नौजवान आपकी जिंदगी में आने के लिए बेकरार है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो असल में क्या आप अपनी अम्मी को हमारे घर भेज सकते हैं? अरे अम्मी क्या, मैं तो अपने अब्बा दादा परदादा सबको भेजने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म तो करें। देखिए आप मेरी बात ना मजाक में टाल रहे हैं, अगर पानी सर से गुजर गया ना तो आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। ये यही बात तो कल रास्ते में मैंने गाड़ी में की थी, लेकिन आप तो जज्बात में आके गाड़ी से छलांग लगाने को तैयार हो गई थी। शायद वो मजाक था। फिर तो आज रात अम्मी और मैं आपके घर हाजिरी देने के लिए तैयार है। पर प्लीज आप अम्मा बाबू को ना बताइएगा कि आज हम मिले थे ना, प्लीज। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं तो ये भी नहीं बताऊंगा कि सवाए ख्वाबों के मैंने आपको कहीं देखा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, कुछ खा पी तो लें। नहीं नहीं मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं आपकी अम्मी का और आपका वेट कर रही हूँ। मेहरू ने मेरी और तेरी मलिक साहब को इतनी शिकायतें लगाई हैं, ऐसे लगता है जैसे हमने उसे कैद किया हुआ था। बेबे क्या हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, और आपको मलिक साहब का तो पता है, एक की चार लगाकर बताते हैं वो। बेटा जी तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मलिक साहब के सामने उसने तरले वास्ते डाले हैं कि उसे यहाँ से निकाले, ये होता है वफाओं का सिला। बेबे मुझे लगता है हमें आंटी की तरफ जाना चाहिए। वहां जाती है मेरी जूती। बिल्कुल जूती तो जाएगी, लेकिन उस जूती में पैर भी आपके ही होंगे। डन, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरू ने हमारी बेइज्जती की और तू उसके कार के चक्कर लगा रहा है, शर्म नहीं आती? बेबे अभी आप गुस्से में इसलिए आपको मेरी बात बुरी लग रही है, आपने तो मुझे सबक पढ़ाया कि हर बुराई का बदला अच्छा ही होता है, और वैसे भी आप मेरे सर पर सेहरा सजा देखना चाहती है ना, तो बस वक्त आ गया। लेकिन उसके कार जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने आपके हर बात पर लब्बैक कहा है ना, कभी ना नहीं किया, तो आज दरख्वास्त मेरी आई है, दिल पर पत्थर रख के दस्तखत कर दे बस। पुत्र मेरी बात तो सुन। बात सुनूंगा लेकिन गाड़ी में, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जल्दी से तैयार हो जाए चले। हाय रब्बा। दिखाना जरा मुझे। डॉक्टर है ये लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, बहुत जल्दी अपने बेटे की शादी की, बस आप हाँ करेंगी ना, पहले हफ्ते में मंगनी दूसरे हफ्ते में रुख्सती होगी इंशाल्लाह। अरे वाह। अच्छा जरा दूसरे वाला दिखाना। इसका अपना बिजनेस है, कैलिफोर्निया में रहता है, सिर्फ पाकिस्तान शादी के लिए आ रहा है, बीवी को भी साथ ले जाएगा। अरे वाह, ये देखो तुम भी देखो, अच्छा है ना मुस्तकीन, ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला बड़ा अच्छा लगा है लड़का। क्या बात है, तुम यहाँ अपने आप को और मुझे बेइज्जत करवाने के लिए लेकर आए थे? मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं,
खुशफहमी तुम्हें हुई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों से ही बात कर लो। हाँ अरे हमारे मजहब में तो चार शादियां मर्दों पर जायज है ना, औरत तो एक ही शादी कर सकती है। अरे नहीं, हमारा मतलब था कि हम इनसे मिल लेते हैं, अच्छी तरह देख लेते हैं, जो समझ में आएगा उससे बात कर लेंगे। चलें ठीक। अरे बेबे बेबे बात तो सुनो, बेबे कहाँ जा रही हो, बात तो सुनो। बेबे मेरी बात तो सुने। बेबे बेबे का बच्चा। अरे बेबे बात तो सुनो, क्या पता कोई काम की बात हो। तू मुझे फिर से यहाँ पर बेइज्जत करवाने के लिए लेकर आया है। अब तो इनसे मेरी बेइज्जती का बदला इस तरह से ले, मंचा मेरी बहू बनेगी, रुखसती नहीं होगी तो उसे भगा कर लेकर जाएगा। हाँ